जैसा कि आप सबको पता है कि चीन दुनिया के सामने ये बताता फिरता है कि वो दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन यही चीन अंदर से बहुत डरपोक है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन यानी क्वाड संगठन को लेकर चीन ने साल 2017 में मजाक उड़ाया था, लेकिन अब इसी क्वाड संगठन से चीन घबराया हुआ है, यानी चीन पर क्वाड संगठन भारी पड़ने लगा है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग घबराए घबराए इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन इतने बड़े लेवल पर चीन के खिलाफ प्रभावी संतुलन बना लेंगे। इसके बाद ये फैसला होगा कि चीन वैश्विक प्रभुत्व पर कायम रह पाएगा या नहीं। हालांकि चीन के ही एक्सपर्टों के अनुसार अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन यानी क्वाड के सदस्य देश दुनिया के हर देश से उसके सामानों से लेकर हर चीज की निर्भरता को खत्म करने में लगे हुए हैं, यानी चीनी बाजार पर पूरा डंडा चला रहे हैं क्वाड देश। शायद यही वजह है कि क्वाड चीनी रणनीति के लिए एक नई और बड़ी परेशानी है। अभी कुछ दिनों पहले ही क्वाड देशों की बैठक ने चीन को अंदर तक झकझोर दिया था। वो क्वाड देशों से घबराया हुआ है, वो डरा हुआ है और अपने इसी डर को चीन ने उसी वक्त दुनिया के सामने दिखाया और कहा था कि क्वाड देशों की इस बैठक की आड़ में कोई भी विशेष गुट नहीं बनाया जाना चाहिए। चीन ने आरोप लगाया था कि कुछ देश क्षेत्रीय देशों के बीच चीनी खतरा का हवाला देकर अपनी पैठ जमाने का प्रयास कर रहे हैं। उसने इस बात पर भी जोर दिया था कि इसका कोई अंत नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि संबंधित देशों को शीत युद्ध की मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रह को छोड़ देना चाहिए, विशेष गुट नहीं बनाना चाहिए और एकजुटता, एकता, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल तरीके से काम करना चाहिए। झाओ ने कहा था कि उन्होंने जो किया है वो इस समय की प्रवृत्ति के खिलाफ है जो शांति, विकास और सहयोग तथा इस क्षेत्र के लोगों की आम आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। यानी झाओ के इस बयान से साफ है कि चीन खौफ में है और अपने इसी खौफ की वजह से वो झल्लाहट में ऊटपटांग बयान दिए जा रहा है। बता दें क्वाड देश जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने भी कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इससे पीछे नहीं है, उन्होंने भी भारत की बढ़ती ताकत की जमकर तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।